रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अफ्रीकी नेताओं का रूस पहुंचना हर किसी को परेशान कर रहा है। ये तस्वीरें रूस की ओर से जारी की गई हैं, जहां रूस में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसके लिए कई अफ्रीकी देश के नेता वहां पहुंचे हुए हैं। पुतिन से मुलाकात करते वक्त अफ्रीकी देशों के प्रमुखों का हाव भाव ये साफ तौर पर बताता समझाता है कि वो किस तरीके से पुतिन के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। पुतिन भी जिस तरीके से दिल खोलकर उनसे मिलते दिखाई दिए हैं, ये भी काफी आश्चर्यजनक है। दरअसल अफ्रीकी देशों के साथ इस तरह के मजबूत होते संबंध एक तरीके से यूरोप और अमेरिका को किनारे लगाने की बड़ी कोशिश है। तभी इस शिखर सम्मेलन में पुतिन ने वो बड़ा ऐलान किया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शिखर सम्मेलन के दौरान अपने भाषण में पुतिन ने यह ऐलान कर दिया कि वो 6 अफ्रीकी देशों को अनाज भेजेंगे। पुतिन ने कहा है कि आने वाले महीने में वो बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और इरिट्रिया को 25,000 से 50,000 टन अनाज मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। यह ऐलान उस वक्त हुआ है जब रूस ग्रेन डील से पीछे हट गया है और इसे अमेरिका से लेकर यूरोप तक के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रूस के इस डील से पीछे हटने के बाद भारत ने अनाज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप से लेकर अमेरिका के बाजार में इस वक्त जबरदस्त मारामारी और महंगाई अनाज को लेकर दिखाई दे रही है। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए अफ्रीकी नेताओं से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक अलग तरह का दबाव बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी नेताओं को रूस पर इस बात से जवाब मांगना चाहिए कि आखिर क्यों रूस अनाज निर्यात समझौते से पीछे हट गया। इसके कारण गरीब देशों के लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इसी को लेकर इसी सवाल के पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए पुतिन ने यह ऐलानिया किया कि वो 5 से 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त में 25 से 50,000 टन अनाज देंगे। ये शिखर सम्मेलन दूसरी बार हो रहा है। 2019 में इससे पहले यह शिखर सम्मेलन हुआ था, जहां रूस ने अपने कदम अफ्रीकी देशों की तरफ बढ़ाने शुरू किए थे। और एक बार फिर जिस तरीके से अफ्रीकी देश रूस के साथ दिलचस्पी दिखा रहे हैं और यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अफ्रीकी देश के एक साथ 6-7 नेता रूस पहुंचे, वो अपने आप में रूस की बड़ी कूटनीतिक जीत की तरफ इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।